भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे मैच, टीम इंडिया हार गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया इस मैच को नहीं जीत पाई, 288 रनों के लक्ष्य को नहीं बचा पाई? तो चलिए आपको बताते हैं भारत की हार के वो तीन सबसे बड़े कारण। कारण नंबर एक, टीम इंडिया की खराब शुरुआत। ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा को जो आज करना था वो नहीं कर पाए। केएल राहुल महज 6 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद लग रहा था कि रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन वो भी 36 रन बनाकर आउट हो गए। फिर उम्मीदें थी विराट कोहली से, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और 4 रन बनाकर चलते बने। इस बीच श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी भी टीम इंडिया के काम नहीं आई और टीम इंडिया हार गई। कारण नंबर दो, भारतीय गेंदबाजों का ना चलना। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के सामने 288 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पहला विकेट 6 रन पर ही गिरा दिया, लेकिन उसके बाद कोई भी गेंदबाज वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पाए। फिर चाहे वो चहर हो, मोहम्मद शमी हो, कुलदीप यादव हो या फिर रविंद्र जडेजा, कोई भी गेंदबाज वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों पर हावी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ बेबस ही नजर आया। और कारण नंबर तीन, 14 ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली का वो गलत थ्रो। जी हाँ, उस वक्त हेटमायर 29 रन पर थे जब कोहली की गलत थ्रो से वो रन आउट होने से बच गए। फिर क्या था, हेटमायर ने शानदार शतक जड़ा। कप्तान के तौर पर विराट कोहली को आज एग्रेसिव फैसला लेना था। महज 288 रनों का लक्ष्य देने के बाद कोहली ने डिफेंसिव फील्डिंग लगाई और ये कहा जा सकता है कि विराट कोहली के गलत फैसले भी टीम इंडिया की हार का कारण बने। जब उन्हें स्पिनर्स का इस्तेमाल करना था तब वो पेसर को लगा रहे थे और यही वजह है जब मैच भारत के हाथों से धीरे धीरे निकलता चला गया और टीम इंडिया ये मैच हार गई। तो ये थे टीम इंडिया की हार के तीन बड़े कारण। अब देखना होगा कि भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच में कैसा खेल दिखाती है। आपको ये भी बता दें कि भारत का दूसरा वनडे मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए।